कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आईसीसी विश्व कप 2023 फाइनल में टीम इंडिया की शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेटरों को सांत्वना देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पीएम मोदी को मास्टर ऑफ ड्रामा बताया है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मास्टर ऑफ ड्रामा इन इंडिया ने खुद बनाए गए और कोरियोग्राफ किए गए सांत्वना वीडियो की कल जारी की गई तस्वीरों ने पीछे का झूठ पूरी तरह से उजागर कर दिया है। चेहरा बचाने की कवायद उल्टी पड़ गई है। भारत के युवा इन हताश हरकतों से मूर्ख नहीं बनेंगे। गौरतलब है कि एक वायरल वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम को पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया टीम से 6 विकेट से मिली हार के बाद प्रधानमंत्री को भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों को सांत्वना देते देखा गया था। ये वीडियो बीजेपी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कप्तान रोहित शर्मा सहित सभी खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। खैर, इस वीडियो के जारी करने के बाद अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और इसे ड्रामा करार दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.